उसमें ये लिखा गया है कि राजा साहब जो कि प्रभु के द्वारा चुना गया, अभिषेक किया गया पहला इसराइली राजा। लेकिन प्रभु के वचनों को, प्रभु के बातों को ना मानने के कारण, प्रभु को ना सुनने के कारण, प्रभु के आज्ञा के विरुद्ध जाने के कारण उसको राज सिंहासन से बहिष्कार किया जाता है। प्रभु के आज्ञा ना पालन करने के कारण उन्हें राजा अभिषेक मतलब राजा से निकल दिए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्रभु किसको चुनते हैं? उसके बाद हाँ हालेलुया, प्रभु किसको चुनते हैं? दाऊद को चुनते हैं। दाऊद कौन था? एक गड़ेरिए भेड़ों को चराने वाला लड़का था। अपने घर में जितने भी भेड़ बकरियां रहती थी सबको लेकर वो घाटी पहाड़ जंगल दूर दूर जाता था। प्रभु उस गड़ेरिए राजा के रूप में दाऊद को चुनते हैं। हालेलुया हालेलुया। और नबी सामुएल के द्वारा उनका अभिषेक किया जाता है, नबी सामुएल के द्वारा। और ये बात राजा साउल जो कि इस्राएल जनता का पहला राजा, राजा साउल को पता चल जाता है कि प्रभु मुझे छोड़ दिए और सारे जनता दाऊद को प्यार करने लगे, जबकि दाऊद राजा के रूप में जनता के सामने अभिषेक नहीं किया गया था, उन्हें चुपके से अभिषेक किया गया था नबी सामुएल के द्वारा। इसलिए वो राजा साउल उसके विरोध हो जाता है। उस बालक दाऊद को मारने के लिए 3,000 सैनिक को लेकर ये घाटी पहाड़ जंगल जहां कहीं भी दाऊद को ढूंढने के लिए निकलता है। और क्या होता है कि कई दिनों कई महीना ऐसे बीतने के बाद एक बार प्रभु दाऊद के सामने उसके शत्रु साउल को मिला देता है, भेंट करवा देता है। वो कैसे? जो पाठ की आज हमने सुना, इसमें क्या दृश्य है, किसके बारे में बताया गया? राजा साउल और उनके जो 3,000 सैनिकों ने गहरी नींद में सोए थे, 3,000 सैनिकों गहरी नींद में सोए थे। और उसी समय दाऊद देखते हैं कि उनका राजा सोया हुआ है और दूसरे साथी जो दाऊद के साथ थे जिसका नाम है अभिषाय कहते हैं, दाऊद मुझे आज्ञा दीजिए कि मेरे पास जो भाला है उस भाला में राजा साउल का हत्या करूंगा, एक ही बार में उसको मार डालूंगा, मुझे दूसरा भाला या दूसरी बार मारने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गहरी नींद में सोया है। सिर्फ राजा साउल ही नहीं बल्कि उनके सारे सारे सैनिक लोग सोए हुए थे। एक तरफ देखिए, इस बातों को सुनते ही राजा दाऊद क्या जवाब देते हैं? राजा दाऊद ये जवाब देते हैं, देखिए मैं किसी के ऊपर हाथ उठाऊंगा नहीं, मैं राजा साउल के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। और वो कहते हैं कि राजा साउल एक अभिषिक्त व्यक्ति है। शुरुआत में मैंने कहा ईश्वर के द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति पहला व्यक्ति कौन है? साउल। राजा दाऊद ये अपने दोस्त अभिषाय को ये बताते हैं कि देखिए वो एक अभिषिक्त व्यक्ति, और अभिषिक्त व्यक्ति को हाथ उठाकर
कौन ईश्वर की प्रकोप से दर्द से बचेगा, यानी कोई नहीं बचेगा, इसलिए मैं उसको अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, उन्हें मारूंगा नहीं। क्यों ऐसे कहते हैं? इसलिए कि राजा साउल दाऊद को खत्म करने के लिए, मारने के लिए उनका पीछा मड़ा हुआ है, उनको ढूंढ ढूंढ कर पूरे जंगल पहाड़ जहां कहीं भी वो छुपने चाहा, हर जगह में राजा साउल 3,000 सैनिकों को लेकर उनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन राजा दाऊद जो प्रभु के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, वो कहता है मैं कभी व्यक्ति को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा अभिषेक है, अभिषिक्त है। देखिए प्यारे भाई और बहनों, ये पहला पाठ में हमें विशेष रूप से दो बातें, मुख्य बातें सीखने को मिलता है और आज हमें सीखना है। वो कौन कौन सी बात है? पहला है अपने शत्रु को प्रेम करो, क्षमा करो। राजा दाऊद के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि भले वो मेरे जान से प्यासा है, मुझे खत्म करने के लिए तुला हुआ है, मुझे इस दुनिया से हटाने के लिए वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो एक अभिषिक्त व्यक्ति है, इसलिए मैं उन्हें क्षमा करता हूं, अपना हाथ नहीं लगाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी वो क्षमा कर देता है, अपने राजा को मारता नहीं। दूसरी बात यह है कि भले वो पापी हो, भले वो अपने जीवन में गिरा हुआ हो, भले वो दुष्कर्म करता हो, लेकिन वो एक अभिषिक्त व्यक्ति है। कौन है वो? एक अभिषिक्त व्यक्ति है जिनके ऊपर, जिनके बदन में, जिनके पूरे शरीर में अभिषेक का तेल डालकर उसे अभिषेक किया गया है, उसे हाथ नहीं लगाना, उसे कभी हाथ नहीं लगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्यारे भाई और बहनों, हम सब मनुष्य हैं, हम सब कमजोर हैं, जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूं। लेकिन इसमें सीखने वाली बात, आज ये सीखने वाली बात है कि अभिषिक्त के ऊपर कभी हाथ नहीं लगाना। जो कोई अभिषिक्त व्यक्ति के ऊपर हाथ लगाता है, वो ईश्वर की प्रकोप, ईश्वर की दंड से नहीं बचेगा। ये हमें आज के पहला पाठ में पढ़ने को सुना। अभी अभी मैं झारखंड गया था, हमारे ब्रदर तर्चुस के अभिषेक के लिए, पुरोहित अभिषेक के लिए, और बैठ के बातचीत करते करते, वहाँ के लोगों से बातचीत करते समय एक बात ऐसा आ गया, करौंदा बेड़ा, झारखंड की एक जगह है करौंदा बेड़ा, और वो करौंदा बेड़ा में एक फादर और एक ब्रदर, इस प्रकार हम यहाँ रहते हैं, एक फादर और एक ब्रदर को पूरी तरह से इतने घिनौने तरीके से वहां के लोगों ने, वहां के लोगों ने मार डाला। वो एक ऐसे ही छोटा मिशन था, और वो मिशन में बच्चे लोग रहते थे, पढ़ाई करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि लोगों ने जाकर उनको पूरी तरीके से मार डाला। मुझे बताए उस गांव के आदमी भी उस दिन था, तो उन्होंने बोला फादर हम तो ये सारे घटना होने के बाद हम जाकर देखें, फादर के हाथ काटेंगे, उसके जीव काट दिए थे, उसके मतलब ऐसे ऐसे करके मतलब बहुत गहरे में तरीके से मार डाले थे। ये कम से कम 20 साल की बात है, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। तो मैंने कहा कि इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं, कौन कौन मारे थे उनको, वे लोग पकड़े हैं? तो उस इंसान बताया फादर वे लोग पकड़े तो नहीं गए,
लेकिन फादर जिस इंसान को काटा था, मारते समय कोई आओ मारो बोलेंगे, कोशिश करेंगे बचने के लिए, उनके हाथ में कुछ नहीं था। शायद फादर ने जो हत्यारा, जो मारने के लिए आया, उसका हाथ काट दिया था। काट दिया था तो पता चला कि फादर ही काटा था उसको अपने दांतों से। और जिस जगह में काटा गया, उस जगह में ऐसे घाव लगा कि वो आदमी कुत्ते का मौत मरा। और जितने लोग भी उस हत्या में शामिल थे, वे लोग कोई तो पागल हो गया, कोई तो कैसे बुरी तरीके से मरे। फादर कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इसलिए फादर तो मरते मरते क्षमा भी कर दिया होगा कि प्रभु ये लोग क्या कर रहे हैं नहीं जान रहे, इन्हें क्षमा कर। तो प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार दशा होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि केवल हाथ ना लगाना, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि गुनगुनाते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, ये अच्छा नहीं है। हमें ये पहला पार्ट में हमें ये सीखने को मिलता है कि अवश्य पहला चीज है, पहला बात है शत्रु को क्षमा करना, जिस प्रकार दाऊद हमें शिक्षा देते हैं। दूसरी चीज है अभिषिक्त को हाथ नहीं लगाना, और पूरे बाइबल बताती है तीन चीजों को कभी भी हाथ नहीं लगाना। वो तीन चीज है, एक तो प्रभु के चुने हुए पुरोहित, दूसरा है पवित्र किताब, पवित्र पुस्तक, और तीसरा है उसके घर यानी गिरजा यानी मंदिर। ये तीन चीजों को कभी भी अपवित्र नहीं करना, कभी भी बर्बाद नहीं करना, कभी भी हाथ नहीं लगाना। हम जानते हैं ना, जो प्रभु का मंदिर को बर्बाद करता है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, स्वयं प्रभु कहते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 45 से 49 तक हमने पढ़ के सुना, और ये दूसरा पाठ हमें विशेष रूप से ये शिक्षा देता है कि पहला आदम ने इस संसार में पाप लाया। हमारे आदि माता पिता, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय एक से कि प्रभु अपने प्रतिरूप उनको बनाया, बनाने के बाद सारा सृष्टि वस्तु उनके अधीन कर दिए, सबके ऊपर अधिकार जताने के लिए कहते हैं, लेकिन एक बात कहते हैं कि बेटा तुम इस बगीचे के एक पेड़ है जिस पेड़ का फल नहीं खाना। और आदम क्या किया, उसी पेड़ के फल को ही खा दिया, जिसके द्वारा आज्ञा उल्लंघन का पाप करता है, आज्ञा उल्लंघन का पाप करता है। यानी ईश्वर ने जो उनको मना किए थे वही कार्य को उन्होंने कर डाला। राजा साउल भी अपने जीवन में आज्ञा उल्लंघन का पाप करता है। वो कैसे, राजा साउल को कहा गया था देखो पड़ोसी देश में जाओ और उनको मार डालो, युद्ध करो, परास्त करो, लेकिन कुछ भी चीज साथ में नहीं लाना, अपने साथ कुछ भी नहीं लाना। तो राजा साउल ने क्या किया, अपने सैनिकों को लिया और पड़ोसी देश में लड़ाई किया, युद्ध किया और सबको हराया, सब आदमियों को मार डाला। ईश्वर जिस प्रकार आदेश दिए थे उस प्रकार आदेश को पूर्ण किया, लेकिन जब लड़ाई खत्म हो जाता है,
राजा साउल के सैनिक लोग क्या करते हैं? हाँ, उनके भेड़ बकरियां या बैल, जो कुछ भी था, मोटे मोटे अच्छा अच्छा जानवर उठा के लाते हैं। देखो इसमें क्या है, एक प्रकार की लोभ लालच उनके अंदर उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार प्रभु के आज्ञा को वे लोग उल्लंघन किए, तोड़ दिए, मोटे मोटे भेड़ बकरियां लाए अपने देश। उसी कारण राजा जिसको प्रभु ने स्वयं चुना था उसको राज गद्दी से हटा देते हैं। तुरंत आज्ञा जैसे ही उल्लंघन किया वैसे प्रभु उसको परित्याग कर दिए। उसी प्रकार हमारे आदि माता पिता जो कि उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 1 और अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि उनको एक आराम की जिंदगी प्रभु दिए, उस एदन वाटिका में रहने के लिए उनको खाने पीने या कुछ भी करने के लिए किसी चीज की कमी नहीं थी, उन्हें कपड़ों की भी जरूरत नहीं था। लेकिन हमारे आदि माता पिता को ऐसे किसी भी चीज का चिंता नहीं था, किसी भी चीज की जरूरत नहीं था, मगर वे लोग ईश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किया और वो फल को तोड़कर खा लिया, जिसके द्वारा संसार में पाप आई, जिसके द्वारा संसार में दुख आई, जिसके द्वारा संसार में पीड़ा आई, जिसके द्वारा संसार में हर प्रकार की परेशानी आई। और प्रभु उन्हें अभिशाप देते हैं, शैतान को, उस सांप को तो अभिशाप देते हैं कि तू मिट्टी में अपने पेट के बल चलेगा, रेंगेगा और मिट्टी खाएगा, कभी अच्छे दिन नहीं देखेगा। और इंसान को ये अभिशाप देते हैं कि तू आज से एदन वाटिका से भाग जा, आज से तेरे लिए जमीन कठिन हो जाएगी, जब तक तू वो जमीन को खोदेगा नहीं, उर्वर नहीं बनाएगा, उस जमीन से तुझे फसल नहीं मिलेगा। प्रभु ने अभिशाप दिए, यानी तू पसीना छुटाएगा तब जाकर तुझे अनाज मिलेगी। और ऐसे होता है ना, बैठे बैठे खाने वालों को अनाज नहीं मिलता है। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं, उन्हें अभिशाप देते हैं। यानी प्यारे भाई और बहनों, हम कुरिन्थियों के नाम पर पौलुस का पहला पत्र में हम ये पढ़ते हैं आज कि पहला आदम जिसके द्वारा इस संसार में पाप आई, दुख आई, पीड़ा आई, हर प्रकार की समस्या आई, लेकिन दूसरे आदम के द्वारा क्या आई, दूसरा आदम के द्वारा इस संसार में मुक्ति आई, इस संसार में कृपा आई, इस संसार में शांति आई, प्रेम आई, क्षमा आई, हर चीज आई। वो दूसरे आदम कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में मुक्ति आई। मुक्ति यानी जिसमें ना कोई दोष है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जिसमें ना लड़ाई झगड़ा है, जिसमें ना मनमुटाव है, जिसमें ना भेदभाव है, जिसमें ना जात पात है, जिसमें ना ऊंचा नीचा है, जिसमें ना पुरुष महिला है, हर एक बराबर है। यानी इंसानियत इस संसार में है, जिसको मुक्ति कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आने के बाद इस संसार में इंसानियत आई। तो मुक्ति की छोड़ो, इस संसार में इंसानियत आई, इस संसार में भाईचारा आई, इस संसार में प्रेम मोहब्बत आई, जो कि एक बनाने के लिए पूरे संसार आज बिखरा पड़ा हुआ। जो मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे वो मुक्ति संसार में आई, लेकिन आज वो मुक्ति देखने को नहीं मिलता है, वो प्रेम, वो शांति देखने को नहीं मिलता है। हर तरह से बंटवारा, हर तरह से भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, हर तरह से
एक दूसरे के जानलेवा मतलब जान के प्यासे लोग जी रहे हैं। आज ऐसे परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह हमें ये बताते हैं कि अपने अपने शत्रु को प्रेम करो, अपने शत्रु को प्रेम करो, ये शिक्षा देते हैं प्यारे भाई और बहनों। आज के सुसमाचार जो हमने पढ़ा संत लूकस के सुसमाचार, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 और संख्या 27 से 38 तक, इसमें मुख्य मुख्य बहुत सारे हर एक शब्द बहुत मुख्य बात कही गई है। शुरू से अंत तक मैं पढ़ रहा था, कोई भी बात को हम छोड़ नहीं सकते। इसमें लिखा है सबसे पहले यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूं अपने शत्रु से प्रेम रखो, अपने शत्रु से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करते हैं उसकी भलाई करो, जो तुमसे बैर करते हैं उसकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको तुम आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं इस प्रकार, लेकिन केवल वचन के द्वारा नहीं, केवल वचन के द्वारा नहीं बल्कि कार्य के द्वारा करके प्रभु यीशु मसीह दिखाते हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 पर संख्या 34 को लीजिए। पिता इन्हें क्षमा कर दो, हे पिता इन्हें क्षमा कर दो क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रभु ने इसमें अपने शिष्यों को ये शिक्षा देते हैं कि अपने शत्रुओं को प्रेम करो, अपने शत्रुओं को क्षमा करो। बहुत सारे लोग अपने वचन के द्वारा ही कहते हैं, बहुत सारे लोग अपने बोली वचन के द्वारा ही कहते हैं कि हाँ मैं आपको प्यार करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप दूर हट जाइए आपके बारे में पूरी पूरी बात कहेंगे। प्रभु यीशु मसीह केवल बोली से नहीं बल्कि कार्य करके दिखाए। जरा सोचिए, जो इंसान क्रूस में लटका हुआ है, जिनके सिर पर कांटों की ताज है, खून बूंद बूंद पसीना के समान गिर रहे हैं, जिनके दोनों पैरों में भी कील ठोके गए हैं, वो इंसान कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर दो, हे पिता इन्हें क्षमा कर दो। और वो क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ साल पहले उन्होंने अपने शिष्यों को ही सिखाया है क्षमा करने के लिए, कुछ मरने से पहले अपने शिष्यों को सिखाया था, है कि नहीं? हाँ, अपने शत्रुओं को क्षमा करो, जो तुम्हें अभिशाप देता है उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे कपड़ा छीनता है उसे और दूसरा कपड़ा भी दे दो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम केवल उनको प्यार करते हो जो अपने रिश्तेदार हैं, तुम केवल उनको ही निमंत्रण देते हो जो अपना रिश्तेदार है, तो उसमें क्या लाभ है? ये तो पापी लोग भी करते हैं, ये तो पापी यानी चोर, तस्करी करने वाले, लुटेरे, वो लोग भी करते हैं। लुटेरे लोग अपने ही लुटेरे लोगों को बुलाएंगे, है कि नहीं? जैसे कि दुनिया में तो ये कहा जाता है और दुनिया में तो ये किया जाता है कि जो तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारता है तुम दूसरे गाल पर ही मार दो, जो तुम्हारा हानि पहुंचाता है तुम भी उनका हानि, हाँ तुम भी उनको हानि पहुंचाओ, जो तुम्हारा कपड़ा छीनता है तुम्हारा कपड़ा छीनने से पहले उनका सारा कपड़ा
छीन लो। मतलब दुनिया ये करता है। और पुराने विधान में ये भी लिखा गया है कि दांत के बदले दांत, अगर कोई तुम्हारा दांत एक मुक्का मार के निकल दिया, तुम भी उसको, चाहे मुक्का से नहीं निकल रहा है, लकड़ी से या डंडा उठाकर निकल दो। पुराना विधान ये कहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि नहीं, दांत के बदले दांत या आंख के बदले आंख नहीं, बल्कि उन्हें क्षमा कर दो, उन्हें क्षमा कर दो। प्यारे भाई और बहनों, और यही क्षमा के द्वारा ही हम दूसरों से अलग है, यही क्षमा के द्वारा ही, ये क्षमा के गुण के द्वारा ही पूरे संसार से हम लोग सब लोग बोलिए हालेलुया। क्षमा के गुण के द्वारा ही हम सब पूरे संसार के लोगों से अलग है। और इसी को प्रभु आगे भी कहते हैं, तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस वचन को दोहराएं, तो और तुम्हें भी दिया जाएगा, तो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हल्ले दिया। विशेष रूप से घर में बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत परेशानियाँ, बहुत संकट आ जाती है, बहू को लेके, बेटी को लेके, बेटों को लेके, तो हम सोचते हैं कि अरे ये हमारा घर बर्बाद हो गया, हम लोग पूरा परेशान में हैं। क्यों ऐसे सोचते हैं? क्योंकि हम लोग निर्णय देते, पति मान लो कभी कभार या कुछ गलती किया, पी के आया, तो पत्नी सोचती है कि घर बर्बाद हो गया, पति पीने लगा, पति बर्बाद हो गया, मेरा पति ऐसा है वैसा है। उसी प्रकार जस्ट उल्टा पति सोचता है मेरी पत्नी ऐसी है वैसी है, यानी एक दूसरे के प्रति हम लोग ऊंचा, अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप को योग्य समझते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। आस पड़ोस के लोग को देखेंगे, अरे देखो ये लोग ऐसे है वैसे, यानी हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि तुमसे अच्छा मैं हूँ। दूसरों के परिवार को देख के हम सबसे बोलने लगते हैं कि अरे उसका परिवार तो ऐसा है, उसके परिवार में सब पियकड़ है, उसके परिवार में खाने पीने को नहीं है, ऐसे ऐसे निर्णय क्यों देते हैं? क्योंकि हम उस परिवार से अलग होना चाहते हैं कि मेरा परिवार ही अच्छा है, मेरा परिवार ही संस्कारिक परिवार है और उनका परिवार बेकार परिवार। यानी हम एक दूसरे से अलग अपने आप को दर्शाना चाहते हैं और दूसरों को छोटा बनाना चाहते हैं। मैं अच्छा हूं और तुम बेकार हो। तुम जिस नाप से नापोगे उसी नाप से नापे जाओगे, ये इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तुमने किसी को आंसू बहाया, किसी को दर्द दिया, पीड़ा दिया,
एक दिन तुम्हें भी दर्द मिलेगा पीड़ा से। तुमने किसी को अपने ताकत के बलबूते पर एक गाल में चाटा मार दिया तो याद रखो, तुम्हें भी एक चाटा नहीं 10 चाटा मिलेगा। मतलब दबा दबा के प्रभु क्या कहते हैं, दबा दबा के हिला हिला के दिया जाएगा। अगर कोई यानी 1 रुपया दिया है, मान लो 1 रुपया, दूसरे पार्ट अगर बोलेंगे, कोई अगर 1 रुपया प्रभु के लिए दान दिया है तो उसको क्या होगा, दबा दबा के हिला हिला के उसको 1 रुपया के बदले 100 रुपया। सिर्फ पैसा का बात नहीं, सिर्फ अनाज का बात नहीं, बल्कि हर एक बात में ये लागू होता है। तुम सड़ा हुआ चीज दोगे तो तुम भी सड़ा हुआ चीज ही पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। चीज के बारे में याद आया तो मुझे हाविल को, आदम के बेटा काइन और हाविल की बात याद आ गया। काइन, काइन बड़ा बेटा था और हाविल छोटा बेटा। काइन एक किसान था और हाविल वो पाल जी था, पाल जी मतलब भेड़ बकरी चराने वाला, जैसे कि आजकल मैं भी चराता हूँ। मैंने वो सिर्फ भेड़ बकरी चराता, मैं तो मुर्गी भी चराता हूँ, कुत्ते भी चराता हूँ, भेड़ बकरी भी चराता हूँ। तो हाविल और काइन इस प्रकार काम किया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बलि चढ़ाने का समय आ गया, तो हाविल ने एक भेड़ को बहुत प्यार करता था, अपने बच्चे जैसे पालन को पालता था, और मोटा तगड़ा सुंदर भी था, ऐसे वाला भेड़ को लेके बलि चढ़ा देता है। और जैसे ही बलि चढ़ाता है, ईश्वर उन्हें स्वयं आकर आग के रूप में आते हैं, उसके बलि को स्वीकार करते हैं। बड़ा भाई जो कृषक था, बड़ा भाई जो कृषक था और कृषक होने के नाते उसके पास क्या क्या था होगा, धान होगा, बजड़ा, चना, और आजकल तो आलू, आलू, मटर, टमाटर, जो कुछ भी है। लेकिन जो कुछ भी ये बेचा, बेचने के बाद कुछ जो कुछ नहीं बेचा, चढ़ गया था ऐसे ऐसे चीज लेके मंदिर में या वेदी बनाकर चढ़ाया। हे प्रभु, ये बचा हुआ चीज है, किसी ने नहीं खरीदा, तू ले ले। भगवान नहीं आए, ईश्वर उनके चढ़ावे पे असंतुष्ट रहे। और ईश्वर आने के बदले कौन आया, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, ये सब आके उसके अनाज जो कुछ भी था खा गए। और गुस्सा होके वो क्या करता है, अपने भाई को मार डालता है, अपने भाई को मार डालता है। यानी देखो, हाविल जो कि अपना सबसे उत्तम प्यारा अच्छा चीज चढ़ाया, प्रभु उनका स्वीकार किए। दूसरी तरह काइन, सबसे सड़ा हुआ, सबसे बेकार वाला, जिसको दूसरे लोग नहीं चाहते हैं, ऐसे वाला चीज चढ़ाया जिसको ईश्वर ने ग्रहण नहीं किया। हाँ, तो इसमें हमें ये शिक्षा मिलती है प्यारे भाई और बहनों, केवल चीजों के लिए नहीं, बल्कि तुम जिस नाम से नापोगे, जिस तरह तुम दोगे, उसी तरह तुम्हें भी मिलेगा, उसी तरह तुम्हें भी मिलेगा। आप लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, दूसरों के बारे में चुगली करोगे, तो याद रखो, तुम्हारे लिए भी दूसरे लोग हैं चुगली करने के लिए। अगर तुम क्षमा नहीं कर पा रहे हो, अपने जीवन में क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, प्यार नहीं कर पा रहे हैं, तो याद रखो, दूसरे लोग भी तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। बहुत सारे बार हम ये सोचते हैं कि
कोई मुझे प्यार करे, लेकिन हम प्यार करने के लिए नहीं। कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे समझे, कोई मेरी बात सुने, लेकिन हम दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जिस नाप से नापोगे उसी नाप से नापा जाएगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, क्षमा करो और तुम्हारा अपराध भी क्षमा किया जाएगा। जिस प्रकार हम हे हमारे पिता की प्रार्थना बार बार दोहराते हैं, है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के जरिए भी सिखाते हैं कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर ही पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, वैसे हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। जैसे हम अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करते हैं, वैसे हमारे अपराधों को भी, यानी अगर हम नहीं करते हैं तो तू भी मत करना। यही है प्यारे भाई और बहनों आज के पूरे तीनों पाठों की शरण, कि अपने शत्रुओं को प्यार कर, जो जितना भी दुख आपको पहुंचाता है वो दुख आप सह लीजिए, वो दुख आप सह लीजिए, उसके बदले में उसको मिल जाएगा, उसके बदले में आपको भी मिल जाएगा। मेरा बहुत सारे ऐसे अनुभव है, बहुत सारे ऐसा अनुभव है, जब कभी भी मेरे मुझे चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ मैं भी उनका बदला लेने की कोशिश किया तो ना मेरा फायदा हुआ ना उनका फायदा हुआ। लेकिन जब जब मैं चुप रहा, सहता गया, दूसरा आदमी को मिलता गया। प्यारे भाई और बहनों, अगर तुम लड़ोगे तो प्रभु तुम्हें छोड़ देगा, अगर तुम छोड़ दोगे तो प्रभु तुम्हारे खिलाफ लड़ने वालों के सामने वो खड़ा होगा। तो आप क्या चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं या प्रभु पर छोड़ना चाहते हैं? बहुत सारी ऐसे समय आता है, बहुत सारी बार ऐसे आता है कि हम अपने बलबूते पर अपने बलबूते पर लड़ने को प्रयास करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। इसलिए अगर आप क्षमा कर देंगे, यानी सारा के सारा चीज का हार हो जाता है। अगर आप लड़ने के लिए उतर जाते हैं तो वो समस्याएं और बढ़ती जाती है, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे कहीं भी हो। इसलिए आइए हम आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें, कृपा प्रदान करें। जो वचन प्रभु ने हम सबको दिया उस वचन हम दिल से अपने दिल में उतारे और उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु शक्ति और बल। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा नाम पर।